आज जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट में भी आप देखिए तो लिस्ट में जाके तो आदित्य रंजन यहाँ देखने को मिलेगा, ये हमारा रोल नंबर है। और इस रोल नंबर के आगे जब आप सर्च करेंगे ना आगे चलकर तो आपको 23 नजर आएगा, ठीक है। अब 23 बच्चे सुन रहे हैं सर 23 है क्या, तो थोड़ा सा 23 का खुलासा हो जाए। जी हाँ, तो खुलासा हो रहा है आपको 23 का। देखिए सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर है, तो ये जर्नी जो है ना ये शुरू हुई थी यहाँ से, जैसा कि मैंने हमेशा कहा था। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी था कि सितंबर में पेपर होने वाला था, नवंबर में, और नवंबर के कुछ मंथ पहले भी मैं आपको बता रहा था कि जब लॉकडाउन भारत में लगा था तो हालात ऐसे हो गए थे कि मतलब बयान ना ही करे तो बेहतर है। दिल्ली में किराया तक देने की समर्थ नहीं था, ठीक है, तो मकान वकान खाली करके घर जाना पड़ा। और घर जाने के समय में ऐसा रहा कि खेतों में कभी काम कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, मतलब पूरी घर की जिम्मेदारी आ गई थी उस टाइम पे, ठीक है। आज भी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है, लेकिन तब थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदारी था, भाई का, बहन का, मतलब सब तरीके से एकदम घर में थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी थी। और खेतों में तक काम करने की नौबत आ गई थी, जहाँ पर मतलब पैसे की इतनी ज़्यादा तंगी हो गई थी। फिर तभी से एक रहा कि नहीं यार, ठीक है, मेहनत करेंगे, कोई बात नहीं। जैसे आज मैं बच्चों में देखता हूँ, वो हुनर देखता हूँ, वो स्टिल मैं मतलब अपने आप को फील करता हूँ उसमें, कि ऐसा नहीं है कि ये लड़का झूठ कह रहा है, नहीं, आज इसके अंदर मैं अपने आप को देख रहा हूँ, आज इसके अंदर मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ और मुझे महसूस होता है, ठीक है। तो ये जो जर्नी है ना, ऐसा नहीं है कि कभी भी, देखो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कौन करता है, कभी भी वही हाई क्लास हाई सोसाइटी के लोग नहीं करते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है ना हमेशा वो करती हैं, ठीक है, क्योंकि उनके सपने बहुत बड़े भी नहीं है, बहुत छोटे भी नहीं है, लेकिन वो एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। उन्हें भी पता है कि यार एक अच्छा लाइफ जीना है, लेकिन किस्मत के हारे थे जिसके वजह से जो हम बहुत बड़े घर में नहीं हुए, या फिर हमारे पास इतना पैसा नहीं था, तो अब क्या करें। अब पैसा ज़्यादा नहीं है तो आप बीटेक भी नहीं कर सकते, पैसा ज़्यादा नहीं है तो आप जो है मेडिकल भी नहीं कर सकते, मतलब IIT तो छोड़ो, खैर दूर की बात करते हैं, मतलब ना इंजीनियरिंग ना मेडिकल। तो उस केस में हमारे पास एक सॉफ्ट ऑप्शन बचता है, सरकारी नौकरी, ठीक है। तो सरकारी नौकरी में भैया कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और उसमें जो है मेहनत बहुत ज़्यादा है, मेहनत आप जिस तरीके से करेंगे सफलता आपको उस तरीके से मिलने वाली है। तो यहीं से हमारा भी सफर शुरू हुआ कि चलो अब सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। लेकिन सबसे पहला जो हमारा एम था ना, मैंने कहा ना आज की वीडियो में मैं सारी बातें दिल से बोलूँगा, जो मैं चाहता था, जो मैं आप लोगों से, ठीक है, आज सारी बातें दिल से बोलूंगा, मेरे अंदर की एक एक बात आज इस वीडियो में बाहर आने वाली है। जितना वायरल कर सकते हो उस वीडियो को कर दो, जितना लाइक कर सकते हो कर दो। तो जब हम दिल्ली आए ना, तो दिल्ली में आए तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस थे कि ये कोचिंग है, ये कोचिंग है, ये कोचिंग है, यहाँ से तैयारी करते हैं, वहाँ से करते हैं, यहाँ ये बढ़िया पढ़ाते हैं, सब अच्छा है, ऑल ओके है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उस टाइम पर हमने क्लासेस भी ली, ठीक है, और थोड़ी बहुत जहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत थी, फिर लाइब्रेरी ज्वाइन किया, सेल्फ स्टडी भी करनी शुरू की, GS की क्लासेस ली थी, इंग्लिश की क्लासेस ली थी मैंने, तो उसके बाद सेल्फ स्टडीज़ करनी शुरू की। सेल्फ स्टडी करने के बाद जो है थोड़ा बहुत जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आने के बाद जो है मुझे घर जाना पड़ा। घर जाने के बाद बस एक चीज़ मैंने अपने अंदर ठाना था, चाहे कुछ भी हो जाए पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा मैं, कुछ भी हो जाए, मतलब मुझे अगर 8 घंटे भी अपने खेत में काम करने पड़ रहे ना, मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा लाइफ का पार्ट है, ये मेरा सर्वाइवल है, इससे मैं जिंदा रहूंगा, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। मैं उसमें भी किसी भी हालात में कहीं पर भी जाके, जैसे जहां पर भी इंटरनेट चल जाए तो फोन में क्विज देना शुरू हो गया, मॉक टेस्ट देना शुरू हो गया, मतलब मोबाइल को जो है सबसे ऊपर कहीं पे छत पे टांग देंगे, ठीक है, वहां से हॉटस्पॉट कनेक्ट करके, फिर उसके बाद जो है सो किसी भी तरीके से किसी का लैपटॉप मांग के, अपना लैपटॉप से जैसे भी है, किसी भी तरीके से वहां पर मॉक टेस्ट देना शुरू किया हमने, क्योंकि मुझे पता है कि मेंस में जो गेम होता है वो मॉक टेस्ट का ही होता है। अलग अलग ग्रुप्स में हम तब देखा करते थे कि यहां पर ये चल रहा है, यहां पर ये चल रहा है, ये स्कोर टॉप ट्रेंडिंग है, और उस समय SSC ट्यूब हो गया और ये लोग हो गए, ये फ्री मॉक टेस्ट करवाते थे, तो उसमें हमेशा जद्दोजहद रहती थी कि ऑल इंडिया रैंक जो है 100 में आना ही आना है, ठीक है, मतलब 1000 के बाहर तो कभी गया नहीं, लेकिन हाँ 100 के अंडर रहना ही रहना है किसी भी हाल में किसी भी तरीके से। और ये एक बहुत मतलब मोटिवेट करता था। कभी बहुत बार ऐसा भी होता था कि हम डिमोटिवेट हो जाते थे, ठीक है, क्या करे क्या ना करे, स्कोर नहीं बढ़ रहा है, जैसे आप लोग परेशान होते हैं, इसीलिए तो मैं आपके दुख दर्द को समझता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ना कि आपका जो डाउट है सर, वो ऐसा नहीं है कि आप ही का डाउट है, वो जेन्युइन एक डाउट होता है, बच्चों में डाउट होता है। अगर कोई बच्चा मतलब ये कहता है कि सर मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे, तो ये वाकई में एक सही सवाल है, नहीं बढ़ते हैं मॉक में नंबर। आप ये भी पूछते हो ना कि सर GS को कैसे करे, तो आपके साथ दिक्कत नहीं है, बहुतों के साथ ये दिक्कत है कि सच में GS जो है कैसे प्रिपेयर किया जाए, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि कह तो कोई बहुत कुछ देता है, लेकिन वाकई में सही मायने में तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारे भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते थे, अलग अलग ग्रुप्स को ज्वाइन कर रखा था, कि टेलीग्राम ग्रुप हो गए, मतलब कोई यूट्यूब नोटिफिकेशंस हो गए, इस तरीके से करके, ठीक है। तो ये एक मतलब कैसे मैं आपको समझाऊँ, उस समय से ये अंदर डाउट था कि चलो ठीक है, थोड़ी बहुत दोस्तों की सहायता ली, थोड़ी बहुत जो गुरु हैं जैसे विक्रमजीत सर हैं, हमेशा मैं उनके
गाइडेंस में रहा हमेशा, मैं उनसे कांटेक्ट करता रहा कि सर ऐसे है, ऐसे एक राम सर है हमारे मैथ्स के, ठीक है, मतलब उनका जो आशीर्वाद है वो हमेशा मेरे सर पे रहा। उन्होंने जो है मतलब हर वक्त उन्होंने जो है एक शिक्षक के रूप में हर वक्त उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अगर शायद आज वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं इस मुकाम पर नहीं होता।